देखिए कल जो MTL में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें सुकुमार चंद्रा जी का देहांत हो गया। ये बहुत ही दुखद घटना है, इसको कभी भी कंपनसेट नहीं किया जा सकता है। हम भी किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं और किसी का बेटा है। जब किसी के फैमिली में ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके फैमिली पे क्या गुजरता है ये हम लोग को पता है। सुकुमार जी को कभी भी वापस लाया नहीं जा सकता और कितना भी पैसा दे दिया जाए उनके फैमिली को कंपनसेट किया नहीं जा सकता। फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके माता पिता को हम लोग कुछ ऐसा लाभ दें ताकि ताउम्र जिंदगी भर उनको किसी तरह की आर्थिक परेशानी ना हो। इसी के तहत जो पहला प्रयास किया गया है, सुकुमार जी के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का MPL ने घोषणा की है, नौकरी दिया जाएगा। अगर वो नौकरी उनकी पत्नी करना चाहती है तो वो कर सकती है, और अगर वो किसी और को नॉमिनेट करना चाहती है अपने परिवार के तो वो जिनको भी नॉमिनेट करेंगे उनको मिलेगा। दूसरा है स्टेचुटरी बेनिफिट के तहत सुकुमार जी का करीब 5 लाख रुपया ड्यूज बन रहा था, पैसा बन रहा था, वो 5 लाख रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा 2 लाख रुपया MPL के तरफ से दिया जा रहा है, तो कुल मिला के 7 लाख रुपया दिया जाएगा। तीसरा है जो PF का पैसा है, ग्रेचुटी का पैसा है, जो छुट्टी के साथ वेतन का पैसा बनता है, वो सारा कुछ दिया जाएगा। पेंशन का भी एक प्रोविजन किया गया है जो ESI के तहत दिया जाता है। उस पेंशन के तहत करीब 16,000 रुपया मासिक, हर मंथ 16,000 रुपया पेंशन भी दिया जाएगा। तो यही सारा हम लोगों ने प्रोविजन किया है और हमको लगता है कि काफी कुछ किया गया है। और ना सिर्फ इस बार के लिए ये प्रोविजन है बल्कि ये एक MPL ने जैसा बताया है कि इस ढंग का एक पॉलिसी बन जाएगा कि कभी भी मजदूर की दुर्घटना से मृत्यु होती है या काम के दौरान मृत्यु होती है तो उनको ये सारा लाभ दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।